प्रदेश की आर्थिक राजधानी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा एक स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस धमकी भरे इस ईमेल को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। 14 अप्रैल को जवाहर टेकरी स्थित दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की मेल आईडी पर एक मेल आया, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का अवकाश होने के चलते अगले दिन 15 अप्रैल को स्कूल चालू होने पर रोजमर्रा की तरह मेल चेक किया गया तो यह धमकी भरा मेल सामने आया। ये मेल पढ़ते हुए स्कूल प्रबंधन के होश फाख्ता हो गए। तुरंत एक्शन लेते हुए छतरीबाग कॉलोनी निवासी स्कूल प्रिंसिपल राजश्री पुरोहित ने चंदनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चंदनगर पुलिस ने मेल आईडी सहित अन्य सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस के मुताबिक संभवत किसी शरारती तत्व द्वारा यह मेल पहुंचाया गया है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहे हैं, जिसमें साइबर पुलिस की मदद भी ली जा रही है। इसमें 14 अप्रैल को जो छुट्टी का दिन था, उस दिन स्कूल के मेल आईडी पर एक मेल आया था, जिसमें उन्होंने मेल में बोला था कि 3 घंटे के अंदर यहाँ पर हम लोग इसको बम विस्फोट करेंगे। और चूँकि उस दिन अवकाश था तो उसको किसी स्टाफ द्वारा देखा नहीं गया। अगले दिन उस मेल को चेक किया गया और मेल को चेक करने के बाद उन्होंने के द्वारा पुलिस में कंप्लेंट की गई है, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उस मेल आईडी की जांच साइबर सेल के माध्यम से करवाई जा रही है। प्रथम दृष्टा चूँकि 14 तारीख का मेल है, प्रथम दृष्टा लगता है किसी ने शरारतपूर्ण किया है, पर पूरी गंभीरता से उसको हम लोग विवेचना कर रहे हैं। किस दिन की घटना है, किस मेल से यह जानकारी मिली थी, कोई मतलब किस तरह की? 14 अप्रैल जो अवकाश का दिन था, उस दिन स्कूल में मेल भेजा गया था 9 बजे के आसपास, पर चूँकि उस दिन अवकाश था इसलिए अगले दिन उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। सर, मेल में अलकायदा का भी जिक्र था क्या? उसमें 2-3 लाइन का मेल किया गया है और जिसमें बॉम्ब प्लान करने और अन्य इस तरह की चीज़ें लिखी गई, इसकी जांच की जाएगी।